नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी का वो गैंगस्टर जिसने यूपी का 25 साल का डॉन, जिसने ली थी सीएम की सुपारी। जी हाँ, ये कहानी है यूपी के उस डॉन की जो अपराध और ताकत की सीढ़ियाँ इस तेज़ी से चढ़ा, जिस तेज़ी से जीटीए वाइस सिटी के मिशन पूरे किए जाते हैं। बहन को छेड़ने वाले का मर्डर करके वह बदमाश बना, फिर कई नेताओं और बदमाशों का काम लगा के कच्ची उम्र में ही बड़ी हैसियत बना ली, और एक दौर में यूपी के अखबार उसी की खबरों से रंगे होते थे। लखनऊ के हर नुक्कड़ चाय की दुकान और पान के ठीहों पर उसी की बातें होती थी, लेकिन तब हद हो गई जब उसने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह की सुपारी ले ली। जी हाँ, और सुपारी ली कीमत सिर्फ 6 करोड़ रुपये में। कहानी तब से शुरू होती है। लड़के का नाम श्री प्रकाश शुक्ला था, गोरखपुर के ममखोर गाँव के में उसके बाप मास्टरी करते थे। खुराक अच्छी थी तो श्री प्रकाश पहलवानी में निकल गया। लोकल अखाड़ों में उसने अच्छा नाम कमाया, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में पहली बार नाम आया 20 साल की उम्र में। साल था 1993। राकेश तिवारी नाम के लफंगे ने उसकी बहन को देखकर सीटी बजा दी। श्री प्रकाश ने उसे तत्काल मार डाला और पुलिस से बचने के लिए बैंकॉक भाग गया। लौटा तो उसके मुँह में खून लग चुका था और उसे ज़्यादा की दरकार थी। बिहार में मोकामा के सूरजभान में उसे गॉडफादर मिल गया। धीरे धीरे उसने अपने एम्पायर का बिल्ड किया और यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम और नेपाल में सारे गैरकानूनी धंधे करने शुरू कर दिए थे। उसने फिरौती के तौर पर किडनैपर, ड्रग्स, लॉटरी और तिकड़म लेकर सुपारी किलिंग तक शुरू कर दी थी। एक अंदाजे के मुताबिक अपने हाथों से उसने करीब 20 लोगों की जानें ली थी। रंगबाजी और बदमाशी और अय्याशी में एक नंबर था। बदमाशी के साथ वह आला दर्जे का अय्याश भी था, और आखिर में इसी आदत से उसका काम लगाया गया। इसकी पसंद महंगी काल गर्ल्स, बड़े होटल, मसाज पार्लर, सोने की जंजीरें और तेज भागने वाली कारें फिल्मी अदा आदमी था। इसके सामने डायलॉग मारता रहने वाले लोगों को छोड़ता नहीं था। उस दौर में वह सेलफोन का बड़ा दीवाना था। डिंगे हाँकता था कि वह टेलीफोन का खर्च रोजाना 5,000 रुपये खर्चा करता है। जाहिर है, जिस आर्थिक बैकग्राउंड से वह आता है उसे इस आकर्षण के लिए सहज माना जाता है। रंगबाजी और बदमाशी कभी भी एक दूसरे के आड़े नहीं आई। श्री प्रकाश एक शानो शौकत वाली जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसे और चाहिए था। उसे एहसास नहीं था कि बड़े माफिया और जो उसे नौसिखिए से ज़्यादा नहीं समझेंगे, उन्हें ठीक ठाक पीट के ही अपने नीचे लाना होगा। उन्हें तय किया कि वह एक एक करके मठाधीशों का काम लगाएगा। यूपी में क्राइम की दुनिया की धुरी था महाराजगंज के लक्ष्मीपुर के विधायक बीरेन शाही। 1997 की शुरुआत होती है और जो है श्री प्रकाश ने लखनऊ शहर में बीरेन शाही को गोलियों से भून दिया और हल्ला हो गया। नए लड़के ने शाही को पेल दिया। पुराने माफियाओं की भी चोक ले गई। श्री प्रकाश ने अपनी हिट लिस्ट में दूसरा नाम रखा कल्याण सरकार के कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी का, जो चिल्लू पार विधानसभा सीट के 15 सालों से विधायक थे, जेल से चुनाव जीत जाते थे। श्री प्रकाश ने अचानक तय किया कि चिल्लू पार की सीट से उसे चाहिए। यूपी के कैबिनेट में हरिशंकर तिवारी को छोड़कर वह पूरी ब्राह्मण लाबी के करीब था। कल्याण सिंह को वह निजी दुश्मन मानता रहा। इस कत्ल के साथ श्री प्रकाश का मैसेज साफ था कि रेलवे के ठेके उसके अलावा कोई छू नहीं सकता। कई छूट भैया बदमाशों को तो उसने दौड़ा दौड़ा कर मारा था। रेलवे का श्री प्रकाश में लखनऊ में 105 फ्लैट बनाने वाले एक बिल्डर को अपनी ज़िंदगी की आखिरी धमकी दी थी। उसकी मांग सीधी थी, हर फ्लैट पर 50,000 रुपये की रंगदारी। पुलिस को पता चला कि वह वसंत कुंज में अपने ठिकाने से निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद जाएगा। पुलिस ने उसकी वापसी के लिए समय जाल बिछा दिया। दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर फोर्स लगा दी गई। स्टेट हाईवे से 1 किलोमीटर हटकर उसे घेर लिया गया। उसने भी रिवॉल्वर निकाल ली। उसने 14 गोलियां दागी तो पुलिस वाले 45 मिनटों में उसका और उसके साथियों का काम लगा दिया। तारीख थी 22 सितंबर 1998, 2:15 का समय था। ऑपरेशन वाजू का पूरा हो गया था। लेकिन आपको एक खास जानकारी बता दें, अगर उस दिन श्री प्रकाश शुक्ला के हाथ में उसकी AK-47 बंदूक रही होती, शायद श्री प्रकाश शुक्ला को कोई नहीं मार पाता, क्योंकि वो चकमा देने में एक नंबर में था और पुलिस उसके सामने खड़ी होने के लिए एक मिनट भी नहीं टिक सकती थी। लेकिन उसके पास उसकी अपनी खास बंदूक न होने के कारण उस दिन वो मारा गया। और उसने अपना जो फ़ोन बदला करता था, अपनी सिम, उसने उस दिन अपनी सिम को नहीं बदला था, और एक लड़की के चलते कहीं न कहीं उसकी मौत हो गई। वो डॉन जो 5 साल में अपराध जगत में ऐसा रसूख कायम किया जो आज तक कभी कोई नहीं बन पाया। तो ऐसी तमाम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।